जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की मासूम से गंदा काम करने के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी दीपक खजूरिया के मंगेतर रेणु शर्मा ने इस मामले में सच जानने के लिहाज से बड़ी बात कही है। रेणु शर्मा का कहना है कि वो एक बार दीपक खजूरिया से मिलकर अपनी आंखों में आंखें डालकर ये जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है। जानकारी के मुताबिक रेणु शर्मा ने कहा कि दीपक से वो इस मामले में मिलकर उनसे ये पूछना चाहती है कि क्या उसने ये अपराध किया है। मालूम हो कि रेणु शर्मा दीपक खजूरिया के मंगेतर हैं और दोनों की सगाई पिछले साल 7 दिसंबर को हुई थी और 26 अप्रैल को दोनों की शादी होने वाली थी। जानकारी के मुताबिक रेणु शर्मा ने दीपक से एक बार जिला जेल में जाकर मुलाकात करना चाहती थी। इस दौरान वो अपने मंगेतर दीपक से उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहती थी कि क्या सच में उसने मासूम के साथ ऐसा गंदा काम किया है। रेणु ने कहा कि अगर उसने माना कि ये अपराध नहीं किया तो मैं उसके वापस आने तक उसका इंतजार करूंगी, लेकिन अगर उसने मान लिया कि मैंने ये अपराध किया है तो मैं अपने माँ बाप से किसी दूसरे लड़के को ढूंढने के लिए कह दूंगी। वहीं दीपक की मां दर्शना देवी का कहना है कि रेणु को जेल लेकर जाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, मैं खुद अब तक जेल में जाकर उनसे नहीं मिली हूँ। रेणु की पिछले कई दिनों से जेल जाने से इनकार कर रही थी। हालांकि रेणु का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि दीपक ऐसा घिनौना काम कर सकता है। रेणु के मुताबिक उनकी कभी कभी दीपक से फोन पर बात भी होती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह का काम कर सकते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।